आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज आउट हो चुकी है आईपीपीबी की तरफ से। जी हाँ, बिल्कुल नई जॉब वैकेंसीज का नोटिफिकेशन अभी अभी आया है। आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों। आईपीपीबी के साथ साथ एक और पोस्ट ऑफिस की वैकेंसीज का नया नोटिफिकेशन है, जिसमें आपकी एमटीएस, पोस्टमैन, मेल गार्ड की वैकेंसीज है। ठीक है, वो सारे भी हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है, क्योंकि वीडियो का हर एक पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, सबसे पहले अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। आप कौन सी लोकेशन इस वीडियो को देख रही है, अपने क्वालिफिकेशन के साथ कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, ताकि आपके नियर बाय जितनी भी वैकेंसीज आती हैं हम उसको ज्यादा से ज्यादा कवर कर पाए। ठीक है, तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। हमारा टेलीग्राम ग्रुप जाके ज्वाइन करना, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज मीत एंड यू आर वॉचिंग टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज लेकर आ चुकी हूँ आईपीपीबी की तरफ से। जी हाँ, बिल्कुल नई जॉब वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आया है। आप यहाँ पर ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों। अप्लाई कैसे करना है, पोस्ट कौन कौन सी है, पोस्ट वाइज क्या एलिजिबिलिटी मांगी है, सिलेक्शन एंड ज्वाइनिंग आपके इसमें किस तरीके से होने वाली है, हम सारी चीज़ों को वन बाय वन यहाँ पे कवर करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो का हर एक पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया पे पहली बार आए हैं, फटाफट सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो चैनल पे आ रही है उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। बाकी इस अपडेट के अलावा और भी काफ़ी सारे नए डिपार्टमेंट की वैकेंसीज आ गई हैं। हमारी ऑफिशियल साइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, विजिट करके इन्फॉर्मेशन लेके आप उन वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। हमारी ऑफिशियल साइट meetacademy.in गूगल पे लिखेगा, आपको पहले नंबर पे साइट मिल जाती है। चलिए फिलहाल हम बात करें यहाँ पे नई जॉब वैकेंसी के बारे में। देखिए, दो नोटिफिकेशन है, पहला आया है आईपीपीबी की तरफ से और सेकंड आया है पोस्ट ऑफिस का एक और नया नोटिफिकेशन है, जिसमें एमटीएस, पोस्टमैन, मेल गार्ड की सारी की वैकेंसीज है। ठीक है, दोनों का वन बाय वन कवर करेंगे। पहले हम पहले नोटिफिकेशन पे चलते हैं, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे अप्लाई करना है वो डिस्कस करेंगे, देन हम सेकेंड नोटिफिकेशन के बारे में कवर करेंगे। वीडियो को एंड तक देखना, प्यारा सा लाइक करना, आपका एक लाइक मोटिवेट करता है आपके लिए नए नए अपडेट लेकर आने का। तो फिलहाल हम बात करें लेटेस्ट जॉब अपडेट के बारे में। देखिए, एक और आपके लिए गुड न्यूज है, दो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया। पहला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का आया हुआ है, सेकंड नोटिफिकेशन बिल्कुल फ्रेश आया हुआ है, जो कि है आपका एक्सिस बैंक की तरफ से। इसके बाद वो वीडियोस आपको मिलेंगी हमारे सेकंड चैनल पे, जिसका नाम है मीत शर्मा। यूट्यूब में लिखना मीत शर्मा चैनल, ये चैनल आपको मिल जाएगा, जाके सब्सक्राइब कर लो। कोई भी लेटेस्ट अपडेट आते हैं हर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। हम यहाँ पे सबसे पहले नोटिफिकेशन को डिस्कस कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया, दो अलग अलग नोटिफिकेशन है यहाँ पे। ठीक है, जिसमें सबसे पहला जो नोटिफिकेशन है आईपीपीबी की तरफ से है। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रही है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से है। अप्लाई मोड ऑनलाइन है, कोई भी यहाँ पे अदर मोड अप्लाई करने का नहीं है। ठीक है, मेल एंड फीमेल दोनों यहाँ पर एलिजिबल है, दोनों यहाँ अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। अप्लाई लिंक एक्टिवेट हो चुका है। जॉब लोकेशन आपकी अक्रॉस इंडिया है, परमानेंट जॉब है, हर कोई कैंडिडेट आप में से यहाँ पर एलिजिबल है, अप्लाई कर सकता है, जो भी सारी एलिजिबिलिटी को फुलफिल करता है। नेक्स्ट अगर यहाँ पे बात करें इस नोटिफिकेशन के लिए एप्लीकेशन फ़ी की, देखिए अगर आप अनडिजर्व कैटेगरी से, यानी कि अगर आप जनरल ओबीसी कैंडिडेट हैं, तो आपकी यहाँ पे फ़ी है 750। अगर आप SC ST AEW कैटेगरी से हैं, तो आपकी फ़ी है 150। ठीक है, नेक्स्ट अगर यहाँ पे वैकेंसीज के बारे में बात करें, सबसे पहले यहाँ पे DGM फाइनेंस की है, जनरल मैनेजर फाइनेंस, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर IT, सीनियर मैनेजर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन की है, सीनियर मैनेजर प्रोडक्ट्स एंड सॉल्यूशन, सीनियर मैनेजर इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर की है, सीनियर मैनेजर ATM ऑपरेशंस की वैकेंसीज हैं जो यहाँ पे आई हुई है। ठीक है, आप यहाँ ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे कोई आपका एग्जाम नहीं है, डायरेक्टली सिलेक्शन एंड ज्वाइनिंग आपकी होने वाली है। यहाँ पे देखिए, जो आपकी सैलरी है वो अलग अलग है। ठीक है, अलग अलग स्केल के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सैलरी पे की जा रही है, स्केल 7, 6, 5, 4, 3 एंड 2। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, अगर हम यहाँ पे ओवरऑल सैलरी के बारे में बात करें मंथ के अकॉर्डिंगली, मिनिमम भी आपकी 64,820 है, मैक्सिमम की अगर हम यहाँ पे बात करें 1,73,860 आपकी यहाँ सैलरी है। ये मैंने आपको ओवरऑल बताई है। ठीक है, पोस्ट वाइज वेरी कर दिया, एज आपकी 18+, मैक्सिमम आपकी जो 55 तक है आप अप्लाई यहाँ कर सकते हैं, अप्लाई शुरू हो चुका है। रिलैक्सेशन आपको अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग मिलेगा। इन वैकेंसीज में आपने ग्रेजुएशन रेलेवेंट डिसिप्लिन में किया आप अप्लाई करो। अगर 10th 12th ग्रेजुएट की बात करें, पोस्टमैन, MTS, मेल गार्ड की, उसकी भी आपको बताती हूँ। ठीक है, इसके लिए अप्लाई के लिए लिंक आपको इधर मिल जाएगा,
ये देखिए पहला अप्लाई का, सेकंड नोटिफिकेशन का, ये हो गया पहला नोटिफिकेशन। सेकंड नोटिफिकेशन को कवर करेंगे जो कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का है। अप्लाई मोड ऑनलाइन, कोई भी अदर मोड अप्लाई करने का नहीं है। अगर यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी की बात करें, आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, 100 रुपी फ़ी पे करना है। आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग से। उसके बाद एससी एसटी और अदर रिजर्व कैंडिडेट की बात करें, उनके कोई फ़ी नहीं है। अगर आप एक फीमेल कैंडिडेट है तब भी आपकी कोई फ़ी नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप यहाँ पर अप्लाई जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पोस्ट की बात करें कौन कौन सी है। सबसे पहली है एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ की, सेकंड पोस्टमैन, थर्ड है मेल गार्ड की। एमटीएस के लिए 10th 12th ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं, पोस्टमैन के लिए 12th ग्रेजुएट, मेल गार्ड के लिए भी 12th और ग्रेजुएट, ठीक है। यहाँ पे जो आपकी सैलरी है ना वो आपकी लेवल 3 के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी है, जो कि आपकी 21,700 से 69,100 आपकी यहाँ पे सैलरी है, ठीक है। यहाँ पे भी आपको ऑनलाइन अप्लाई करना रहेगा। यहाँ पे देखिए सिलेक्शन की बात करें, क्वालिफिकेशन के मार्क्स के अकॉर्डिंग मेरिट लगेगी, उसके बेसिस पे सिलेक्शन एंड ज्वाइनिंग है। एज कम से कम 18, मैक्सिमम 37, प्लस आपको रिलैक्सेशन मिल रहा है, ओबीसी 3 साल, एससी एसटी 5 साल। उसके बाद देखिए पीडब्ल्यूडी अनडिजर्व का 10 साल का, पीडब्ल्यूडी ओबीसी 13 साल और पीडब्ल्यूडी एससी एसटी का 15 साल का। इधर आपको शॉर्ट नोटिफिकेशन जो अभी अभी आया है, यहाँ पे देखिए जब जीडीएस की वैकेंसीज आनी थी तभी मैंने आपको पहले बता दिया था, इसका भी लेटेस्ट अपडेट आया है कुछ ही दिन में। इसके लिए अब अप्लाई शुरू हो रहा है, उस दिन मैं आपके लिए डिटेल नोटिफिकेशन तो लेकर आऊँगी ही, साथ में स्टेप बाय स्टेप अप्लाई की वीडियो भी जरूर लेकर आऊँगी, ठीक है। मैंने आपको दो नोटिफिकेशन जो बताए हैं, पहले के लिए अप्लाई लिंक एक्टिवेटेड है और इसके लिए अभी शुरू होगा, तब मैं आपके लिए कंप्लीट वीडियो भी ले आऊँगी, ठीक है। सबसे पहले आपने दो काम जरूर करने हैं, पहला हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करें। आप कौन सी लोकेशन से इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, ताकि आपके नियर जो भी वैकेंसीज आती हैं हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर पाए। अपने क्वालिफिकेशन के साथ लिखिएगा, क्योंकि क्वालिफिकेशन का भी हमें पता होना चाहिए क्या क्वालिफिकेशन है, कौन सी आपकी लोकेशन है, ताकि आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट मैं लेकर आ पाऊँ। हमारे चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करें। हमारे सेकेंड चैनल मीत शर्मा जाके यूट्यूब में टाइप करना, इसको भी सब्सक्राइब करना, ताकि कोई भी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से मिस ना हो। कोई भी आपकी क्वेरी या कमेंट करे, आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।